सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। भैया देखो, बात ऐसी है कि आज की डेट में इंटरनेट जो है ना वो घुस चुका है हमारी नस नस में, और यहाँ पे हम काम में लेते हैं सबसे ज्यादा क्या, गूगल सर्च। मतलब कुछ भी लिखो सामने और दोस्तों आ जाएगा उसका नतीजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल सर्च काम कैसे करता है? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब याद करो यार वो दिन जब इंटरनेट था हमारे पास में 15-20 रुपए घंटे किसी सड़े से साइबर कैफे में, और वहाँ पे ढंग से इंटरनेट भी काम करता नहीं था ढंग से, ना तो वहाँ पे चलता था आपका याहू ना गूगल। तो उस टाइम पे मतलब वेबसाइट्स के नाम याद रखो, देखो भैया कुछ खुल गया तो बढ़िया है वरना कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आज कितना कन्वीनियंट है, आप अपने फ़ोन के अंदर बोलते हो कुछ सवाल तो जवाब मिल जाता है, आप दोस्तों डालते हो इंटरनेट के ऊपर कुछ भी दो चार शब्द तो आपको उसके बारे में पूरी सही सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन आखिर यार ये गूगल सर्च या फिर इनफैक्ट कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है? तो यहां पे दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो आपको जानना है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है। अभी आप लिखते हो गूगल के ऊपर व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन, आप लिखते हो गूगल पे अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है, आप लिखते हो सिंपल अमिताभ बच्चन हाइट, मतलब आप यार सर्च करने में कुछ भी कर सकते हो। तो गूगल को क्या मालूम कि एक तो जवाब क्या देना है, उसके अलावा जो वो आपको देता है रिजल्ट्स अलग अलग पेजेस के, तो वो कहां कहां पे कौन से दिखाने हैं। तो यहां पे दोस्तों गूगल जो है वो आपको बता दूं पहली बात तो कि पूरे इंटरनेट को सर्च नहीं कर सकता। ये मत सोचना कि जो चीज गूगल पे है मतलब बस वही इंटरनेट, दोस्तों इंटरनेट जो है इसके अलावा और बहुत बहुत सारी जगहों में भी हैं जहां पे हमसे बात करता हूं डीप वेब की, डार्क वेब की वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे दोस्तों गूगल सर्च आपको दिखाता है वो दिखाता है उन वेबसाइट्स का डिटेल्स जो दोस्तों इंडेक्स्ड हैं गूगल के पास में। अब यहां पे गूगल दोस्तों काम में लेता है एक वेब प्रोग्राम को जिसका नाम दोस्तों होता है वेब क्रॉलर, या फिर उसको दोस्तों कहते हैं स्पाइडर्स। और ये दोस्तों स्पाइडर्स हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्कैन करते हैं कंप्लीट वेबसाइट्स को, कंप्लीट वेब पेजेस को, देखते हैं कि वहां पे कौन से दोस्तों जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, उन लिंक्स पे जाके दोस्तों जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको देखते हैं। तो ऐसे दोस्तों लिंक्स पे जाते जाते वो बहुत एक बड़ा इंडेक्स जो है वो बनाते रहते हैं, और ऐसे में उसी इंडेक्स को और अच्छे से मेंटेन भी करते रहते हैं। अभी आपने लिख दिया सामने अमिताभ बच्चन हाइट, तो यहां पे दोस्तों वो जो इंडेक्स है वहां पे सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि ये जो आपके तीन सर्च कीवर्ड्स हैं ये कहां-कहां कौन से पेजेस में आ रहे हैं। अब यार ये भी कोई एक पेज थोड़ा है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पेज होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिर ये देखते हैं कि इनकी रेलेवेंसी कितनी ज़्यादा है, क्या ये तीनों वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, क्या ये टाइटल में आ रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, क्या जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर बीच में ये वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये कोई URL में है कि नहीं है, यहाँ पे कोई सिनोनियम है कि नहीं है। मतलब बहुत बहुत दोस्तों सारे यहाँ पे होते हैं तरह तरह के रूल्स। और उसके बाद में ये भी देखते हैं कि जिस पेज पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है तो वहाँ पे भैया और किस किस पेज ने उस पेज को लिंक किया है, मतलब आपस में किस किस पेज ने किस किस पेज को रेफर किया है, कौन सी वेबसाइट कितनी पॉपुलर है, कितनी उसकी अच्छी वैल्यू है, मतलब कितनी उसके बारे में हम बात कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ में। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीजें गूगल देखने के बाद में आपको दिखाता है रिजल्ट 1, 2, 3, 4 के साथ में। आप अभी दूसरे पेज तो कभी गए नहीं होगे आज तक लाइफ में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो जो आपको मिलते हैं रिजल्ट उनमें आपका जवाब आपको मिल ही जाता है। और इनफैक्ट बहुत से केसेस में दोस्तों आज के डेट में हमको मिल जाते हैं बहुत ही इंटरेक्टिव कार्ड्स जहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाते हैं कि हाँ भैया यही जवाब है। मतलब पहले के ज़माने में सोच के देखो, अगर आप लगाते हो किसी से शर्त कि मेरा ये जवाब है तेरा ये जवाब है, तो मतलब लग जाएंगे महीनों आप उसका सही जवाब ढूंढ पाओगे। लेकिन आज की डेट में गूगल सर्च कितना इजी बन गया है कि आप कुछ भी सर्च करो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे तो इनफैक्ट बात अभी ऐसी हो चुकी है कि यार मतलब आपका जो अपना डेटा है ना, आप क्या क्या सर्च करते हो, आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करते हो, अभी एप्पल का मतलब आपके लिए खाने वाला सेब है कि फ़ोन वाला एप्पल है, या फिर और दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं जो आप सर्च करते रहते हो, तो वो जो आपका डेटा है वो उसको भी काम में लेते हैं आपके लिए स्पेसिफिक रिजल्ट्स दिखाने के लिए। मतलब दोस्तों जो कंप्लीट सिस्टम है गूगल सर्च का या फिर इनफैक्ट किसी भी सर्च इंजन का, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे तरह तरह के एल्गोरिथम्स काम में आते रहते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट बात ऐसी है कि भैया आपकी जो हिस्ट्री है, आपने क्या सर्च किया, कहाँ पे अपने उसको कहाँ कहाँ गए, उसी के बदले आपको मिलते हैं बाद में एडवर्टीजमेंट्स। मतलब आज आप सर्च कर लो फॉर एग्जाम्पल कहीं के फ्लाइट की टिकट, तो आपको कल से वहीं की वहीं जो है फ्लाइट दोस्तों सारी वेबसाइट्स वगैरह भर जाएंगी आपकी उन्हीं एडवर्टीजमेंट से। आप आज सर्च कर लो iPhone 10 की प्राइस क्या चल रही है इंडिया में,
में आपको कल से ही ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे आईफोन 10 के। तो यहाँ पर दोस्तों तरह तरह की चीजें हैं, मतलब हमारे लिए तो आसानी है कि भैया गूगल पे कुछ भी लिखो रिजल्ट मिल जाएगा। जो उनके हैं दोस्तों स्पाइडर्स वो तरह तरह घूमते रहते हैं, इंडेक्स जो है वो अपने दोस्तों बढ़ाते रहते हैं, तरह तरह की वेबसाइट जो वहाँ पे ऐड करते रहते हैं। लेकिन अब प्राइवेसी भी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, इतने करोड़ों यूजर्स हैं, आपका डेटा कोई निकाल के क्या कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एक बेसिक तरीके से गूगल सर्च वो कैसे काम करता है। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।